मेरा बैठ के फोटो क्लिक कर लो, थोड़ा साइड देख रहे दोनों का जोड़ा बहुत ही मीटिंग। बोलो मत, बात मत करो। हेलो दोस्तों, वेलकम टू फाटोजोन। और हम यहाँ जा रहे हैं फाटोजोन, जो तराई पश्चिमी का एक गेट है। और इस टाइम पे हम यहाँ बफर जोन में हैं। गेट यहाँ से 2.5 से 3 किलोमीटर आगे है। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ सब साल फॉरेस्ट है, 60% साल फॉरेस्ट बफर जोन से ही स्टार्ट हो जाता है। बट इस गेट में जो है, यहाँ पर टोक्यो गाँव भी हैं जो 1936 से पहले से हैं, जिन्हें हम वन गुजर भी बोलते हैं। तो जंगल के बीच में ही है, बट देखते हैं आज क्या किसका लग काम करता है। दूसरी सफारी है हमारी, तो इंशाल्लाह दिखेगा। तो अली भाई से काफ़ी सारी बातचीत करते हुए हम आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि अली भाई हर बार कुछ ना कुछ ऐसा ख़ास बताते हैं जंगल के बारे में, जो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होता है, जिससे हमें काफ़ी नॉलेज बढ़ती है। और यही सारी बातें करते हुए हम लोग चल रहे थे फाटो जोन के एंट्री गेट की तरफ। हम ज़्यादा लोग थे, एक्साइटमेंट पीक पर था, और क्योंकि ज़्यादा लोग होने की वजह से लक भी ज़्यादा थे, तो उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं किसी न किसी एक का लक कायम कर जाएगा। और वाइल्ड लाइफ में हमें आज जो पिछले दिन से मिसिंग थी, एक जो बहुत मेन थिंग होती है टाइगर साइटिंग, वो होने की उम्मीद थी। और इसी एक्साइटमेंट के साथ हम लोग बढ़ रहे थे फाटो जोन के एंट्री गेट की तरफ। और बस जंगल की वाइस पॉजिटिव थी, जंगल का माहौल बहुत अच्छा था, ऑटम सीजन था, इसलिए बहुत दूर तक की विजिबिलिटी थी। और इसी एक्सपीरियंसेस के साथ हम लोग थोड़ी देर के बाद पहुँचे फाटो एंट्री गेट पर। बाद हम यहाँ वन बाई वन और जो हो गई है वो निकल रहे हैं। वो जैसे साथ हम वेलकम टू माय ट्रैवल नामा, और आज मैं हूँ फाटो जोन पर। आज हम करने वाले हैं फाटो जोन की सफारी लास्ट। बिल्कुल सर, आइए आइए आइए। यहाँ आप देख सकते हैं सारा एनवायरनमेंट क्या है। आपका नाम मैं भूल गया। आमिर भाई आपके फाटो एक्सपर्ट है। हमारे पीछे हमारे साथ जाएंगे इरफान भाई और अरशद भाई, और बाकी हमारे साथ ये टीम है। मैं आपको भी दूसरे एंगल से दिखा दूंगा। और हमारी आफ्टरनून सफारी है, अभी 3 बजे सफारी स्टार्ट होगी और लगभग 7 बजे गेट से बाहर आएंगे। इससे पहले तो मैंने वीडियो अपलोड्स किए, आपने देखी होंगे चैनल पे, आप देख सकते हैं। इससे पहले मैंने झरना कवर किया, कैंटा सफारी, जिम का ढिकाला कवर किए। फाटो अपने आप में एक बहुत ही इस वक्त फेमस जोन है, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसी अच्छी साइटिंग्स हैं, कुछ ऐसे अच्छे एक्सपीरियंस हैं वाइल्ड लाइफ के, जो लोग इस तरफ खींचे चले आ रहे हैं। लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं, इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं। वाह वाह, मजा आ गया। तो अब ये सारी चीजें यही रहेंगी और सब कुछ बहुत डिसिप्लिन के साथ मेंटेन करना है। सो परमिट की कॉरेस्पॉन्डेंस और थोड़ी अल्टीमेट शेयर शायरी करने के बाद हमने अपनी सफारी स्टार्ट की, अपनी एडवेंचर जर्नी टूवर्ड्स फाटो जोन, एंड वी ऑल वर वेरी एक्साइटेड।
शादी हुआ करती है, उसमें जो है ये प्लांट लगाया गया है, प्लांटेशन है, ये नेचुरल प्लांट है। और 60% जो फॉरेस्ट है वो इसका कहीं पे भी आप खेत वगैरह में या प्राइवेट में कहीं पे प्लांट नहीं कर सकते। सो वाइल्ड बोर के ग्रैंड वेलकम के बाद हम लोग जंगल की तरफ आगे बढ़ रहे थे। जंगल बहुत पॉजिटिव था, वाइब बहुत अमेजिंग थी और एक्साइटमेंट पीक पर था, इसी उम्मीद के साथ कि शायद आगे जाकर के आज हमें टाइगर साइटिंग होगी। कहीं ना कहीं नज़रिया टाइगर साइटिंग का ज़्यादा था और लक शायद हमारा काम करा, क्योंकि जब थोड़ा हम आगे गए तो लिंक रोड पर एग्जैक्टली वॉच टावर के बराबर से एक सफारी सामने आ रही थी और उसके ड्राइवर ने हमें बताया, अली भाई को बताया कि हमें किस तरफ जाना है। सेकेंड फ्लोर पर टाइगर साइटिंग चल रही है। बस फिर सफारी का क्या था, सफारी मुड़ चुकी थी, स्पीड एकदम वॉक और हमारा एक्साइटमेंट एकदम पीक पर था। और ये एक्साइटमेंट ख़त्म हुआ कि हमें जब हमें हुई प्रॉपर टाइगर साइटिंग। चलिए आइए आपके साथ उस एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। पानी में फीलिंग है ये टाइगर है तीन साल की तब भाई 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 प्लीज भाई हम देखो सामने हमारे टाइगर बैठा हुआ इस टाइम पे आप देख सकते हैं। एक कहाँ है, एक कहाँ लेटा है, किधर किधर झाड़ी में नहीं दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा। अच्छा लेटा लेटा की लेटा और ये मेरे हमारे साथ में देखिए ये लोग सारे फर्स्ट टाइम टाइगर देख रहे हैं और ये हम लोग फर्स्ट टाइम टाइगर देख रहे हैं मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ और एक नहीं दो दो टाइगर देख रहे हैं। नहीं 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 भाई क्या कर रहा हो तुम, दीवाना हुआ क्या? एक टाइगर पार्ट हॉल के अंदर बैठा है और दूसरा सामने ऊपर बैठा है और हम वेट कर रहे हैं कि जो ऊपर बैठा है वो अगर नीचे आ जाए तो एक अमेजिंग पिक्चर हमें मिलेंगी। सो काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं, लेटा हुआ था अब उठ गया। ओ ये भी उठ गई, ओ भाई 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 टाइगर उठ गए, ओ बेहतर बहुत ही लाजवाब शॉट। काफी देर के बाद टाइगर उठ खड़ी हुई है पानी में से, मैं सर लाउड नहीं बोल सकता। बेस्ट सीन, अल्टीमेट अल्टीमेट नहीं, आई एम कैप्चरिंग। खिलाना मत, खिलाना मत, खिलाना मत, खिलाना मत, खिलाना मत, फैसला खिलाना मत यार। क्यों गाड़ी अपनी मत हिलाओ, बेस्ट 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 बेस्ट, ओ भाई बेस्ट।
बेस्ट सीन एवर। गाड़ी ला, गाड़ी बढ़ाओ ना, आगे को निकालो, आगे को ले लो, ले लो। So they were gone into the bushes and we were waiting outside. ये sure नहीं था, but we are expecting कि वो दोनों यहाँ से cross करेंगे और हमें इनको cross करते एक अच्छा frame मिल जाएगा. But after spending some time, we realized कि शायद वो अंदर बैठ गए और हमें अभी ज़्यादा वक्त लगेगा. तो सफारी में इतना वक्त नहीं होता है कि और सफर थोड़ा सा ख़राब करते वहाँ. तो हमने सोचा कि हमें आगे चलना चाहिए और दूसरे ये में जाके हम और साइटिंग्स की उम्मीद कर रहे थे और वाइल्ड लाइफ भी देखना थी. तो हमने अपना सफारी कंटिन्यू की. अगला जो पॉइंट था हमारा वो था कैंटीन, क्योंकि हमें थोड़ा ब्रेक चाहिए था. तो चलिए कैंटीन की तरफ चलते हैं. सो फाइनली इतनी अमेजिंग साइटिंग के बाद कुछ देर के बाद हम लोग पहुँचे कैंटीन एरिया, जहाँ सारे ये सही सैनानी रुके हुए थे अपने रिफ्रेशमेंट ब्रेक पर. इतनी अमेजिंग साइटिंग के बाद सबके हालत खुशक हो चुके थे और हम लोगों को अपने आप को रिफ्रेश करना था. अली भाई थैंक यू सो मच, एफर्ट काम आए और हमने एक बहुत बढ़िया सेटिंग की, मेल और फीमेल दोनों की, लाजवाब. थोड़ा एफर्ट लगा, दो बार जिप्सी घुमा के लेके आए, लेकिन उसके बाद फाइनली हमें एक अच्छी सेटिंग हुई. इसके बारे में मैं आपको एक जानकारी और दे दूँ कि जो फीमेल थी ना, हाँ, मेल और फीमेल, हाँ, ऐसा बहुत कम होता है कि फीमेल के साथ कप हो, हाँ, और मेटिंग करे. अच्छा, हाँ, ये नहीं देखा है अभी तक. तो इसने जो है अपना जो कप है वो छुपा रखा है. इसके साथ एक कप भी है जो जिसकी उम्र होगी शायद 6 महीने करीब. 6 महीने का. जी जी. ये दूसरी टेरिटरी के टाइगर है, अदरवाइज इसको किल कर देगा. ये मेल कप को अपना सेव कर रखा है, इसलिए भाग रहा था ना वो. हाँ, इसलिए भाग रहा था. सर कैसी रही आपकी फर्स्ट साइटिंग एवर? हमारी दूसरी जिप्सी राइड थी और इस जिप्सी राइड में हमें अल्हम्दुलिल्लाह अब तक मेरे ख्याल में हमने आज 2 घंटे तक टाइगर देखा. बहुत देर टाइगर देखा और एक मेल और एक फीमेल टाइगर. ये हमारे जो 10-12 साल का कलंक हमारे ऊपर लगा हुआ था, 10-12 साल से हम जंगल को वेट कर रहे थे लेकिन टाइगर नहीं दिख पा रहा था. आज वो कलंक दूर हो गया आपका, फाइनली वाइल्ड लाइफ ने आपको एक्सेप्ट करा और टाइगर देखा ना आपने? टाइगर देखा ना जी. क्या नाम है आपका? अतल्या. अतल्या, आपने टाइगर सेटिंग की? जी. अच्छा लगा? जी. इससे पहले जू में देखा था और आज आपने लाइव देखा जंगल में, कुछ फर्क नजर आया? मजा आता है ना. तो ये आपकी पहली सफारी थी? इससे पहले भी की थी. यू आर द लकीस्ट गर्ल, बिटवीन 2 or 3 सफारीज यू आर हैविंग अ ग्रेट साइटिंग, हां, मेल एंड फीमेल बोथ दोनों. ओके, थैंक्स फॉर कमिंग. थैंक यू वेरी मच. नाइस जर्नी अहेड. थैंक यू. कौन से साइट पे थे? माय ट्रैवल नामा, माय YouTube. थैंक यू सर. थोड़ा रिफ्रेश होने और उसके बाद अभी सफारी को कंटिन्यू करते हैं. तो थोड़ा सा टाइम बचा है, अभी लगभग ऑलमोस्ट 1 घंटा हमारे पास बचा है. तो उसके अंदर अंदर हम लोग अभी थोड़ा रिफ्रेश हूँ, बाकी भी एरिया लगा है. तो इसी सफारी पे अलग जंगल के अलग हिस्से की अलग हिस्से में ये अलग एक्टिविटी के साथ तब तक वीडियो बने रहिएगा. वो for a drink now. सो कैंटीन में टी ब्रेक लेने के बाद हमने अपनी सफारी कंटिन्यू की और हम जंगल में आगे बढ़ना शुरू हुए, जहाँ जाकर हमें वाइल्ड लाइफ के अच्छे मोमेंट्स कैप्चर करने का मौका मिला. जैसे लंगूर की साइटिंग हुई, आगे जाके हिरणों का झुंड जो छोटे वाटरफॉल पे पानी पी रहा था उनको कैप्चर करने का मौका मिला. थोड़ा आगे बढ़े तो हमें पीकॉक की साइटिंग हुई, जिसकी हमने बहुत अच्छे कुछ पोर्ट्रेट शॉट्स लिए. और इसी बीच हम इन साइटिंग तक आगे बढ़ रहे थे इस उम्मीद में कि हमें शायद आगे और अच्छे एक्सपीरियंस हो. और हमने फिर अली भाई से डिस्कस किया कि क्यों ना हमें एक बार फिर उसी लोकेशन पे जाना चाहिए जहाँ हमें टाइगर साइटिंग हुई थी. हो सकता है कि हमारा लक काम कर जाए और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ. और हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो हमें वहाँ एक ग्रैंड सरप्राइज मिला दोबारा से. तो आइए उस सरप्राइज को भी आपके साथ शेयर करते हैं. Thank you.
फिर नहीं देखेगा। मेरा बैठ के फोटो क्लिक कर लो, थोड़ा साइड देख रहा एक बार फिर से। पीछे वालों को देखने दो भाई, चली 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 बॉक। एक बार फिर चली। मेल ठाकर बैठेगा, मेल ठाकर बैठेगा। उठ गया। फाइनली ये लोग अभी यहीं पर हैं, लेकिन हमारा साइ पार्टी टाइमिंग ओवर हो चुका है और 6:30 नाउ। तो अब हमें गेट की तरफ जाना है, अदरवाइज हम सबको प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसलिए सारी सफारियां चलने लगी हैं। और हमें भी इस अल्टीमेट राइडिंग को, इस अल्टीमेट फ्रेम को छोड़कर जाना होगा गेट की तरफ। ओ भाई भाई भाई, व्हाट अ कोइंसिडेंस। चल चल चल, ये डालोगे। दिल तो ये कर रहा है कि यहीं खड़े रहेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें जाना होगा। फाइनली फाटो जोन सफारी इज ओवर नाउ, और मैं और मेरे साथियों का चेहरा बता रहा हुआ कि हमारी जो सफारी थी वो कितनी लाजवाब रही। आज हमें अनएक्सपेक्टेड साइटिंग हुई, क्योंकि पिछले काफ़ी टाइम जो साइटिंग हो रही थी वो फीमेल की, आई मीन टाइगर्स की हो रही थी, लेकिन मेल टाइगर बहुत शर्मीला है, बहुत रेयर दिख रहा था, लेकिन आज उसने हमें खुल के दर्शन दिए हैं। मतलब एक बार साइटिंग हुई, फिर हम दोबारा दूसरे एरिया में चला गया, जब वो अंदर डीप फॉरेस्ट में चला गया, तो हम एक घंटे बाद लौट के आया, तो मैं एक्जैक्टली उस जगह पर दोबारा साइटिंग हुई, आपने वीडियो में देखी होगी। तो इतनी अल्टीमेट साइटिंग बहुत कम वक्त में, बहुत ज़्यादा वक्त में, बहुत कम टाइम के लिए होती है, लेकिन हमें बहुत टाइम मिला। और मेरे जो लोग वाइल्ड लाइफ से निराश थे, इन अनफॉर्चुनेटली आज तक टाइगर साइटिंग नहीं हुई थी, फाइनली उनका भी रिकॉर्ड टूटा। सो वाइल्ड लाइफ हमें इतना कुछ देती है, सो आई एम सो हैप्पी आफ्टर दिस सफारी। तो बहुत जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट सफारी पर अली भाई के साथ, जो हमें इतनी उमदम जगह, इतने एफर्ट्स के साथ टाइगर साइटिंग और वाइल्ड लाइफ से रूबरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, अगर चैनल पर नए हैं तो। और जल्दी जल्दी नेक्स्ट वीडियो आती रहेंगी, आप मेरे चैनल को अप्रिशिएट किए, मेरे वर्क को अप्रिशिएट किए, तो और अगर कोई कमी है तो कमेंट में बताइएगा, क्योंकि क्रिटिसिज्म ऑलवेज वेलकम। सो बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट सेशन पे, नेक्स्ट सफारी पे, तब तक के लिए चिल कीजिए, बाय, गुड डे।